दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने उनकी प्लेइंग 11 को टीम इंडिया ने चटाई धूल तो भड़क गए। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज, जहां एक तरफ रिकी पोंटिंग ने भड़काऊ बयान दिया तो वहीं सेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट से लेकर पैट कमिंस तक ने अब यशस्वी कोहली जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों को लेकर जो कहा है सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर अपनी टीम के हार के बाद क्या कुछ रहा है, इन ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे उन सबके बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में हरा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर 6 दिसंबर को खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमें कड़ी मेहनत कर रही हैं। वहीं भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच से पहले प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ एक अभ्यास मुकाबले खेलने था, जिसकी शुरुआत 30 दिसंबर से ही होने वाली थी, लेकिन पहले दिन का खेल बारिश में धुल गया। दूसरे दिन मुकाबला शुरू हुआ तो सिक्का उछाला गया और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा। लेकिन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें, यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच 50 ओवर का खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने 42 दो ओवर में ढेर हो गई 240 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से सैन ने 107 रनों की लाजवाब पारी खेली, वहीं जैकब ने भी 61 रन जोड़े। भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 4 विकेट अपने नाम किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत बेहद शानदार हुई। राहुल और जायसवाल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। जायसवाल ने 45 रन ठोके तो वहीं राहुल 27 रन बनाकर रिटायर हो गए। भले ही कप्तान रोहित शर्मा कुछ खास प्रदर्शन न कर सके हों, लेकिन शुभमन गिल और नीतीश रेड्डी ने मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। बचा हुआ काम भारत के और भी बल्लेबाजों ने कर दिखाया और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाकर प्राइम मिनिस्टर एकादश की टीम को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। भारत की जीत देखकर हर कोई हैरान हो गया। हर तरफ टीम इंडिया की तारीफ होने लगी। वहीं भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखकर तो अब ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों के बड़े बड़े बयान निकलकर सामने आए हैं, जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो रिकी पोंटिंग ने कहा कि टीम इंडिया को इस जीत के बाद काफी खुश नहीं होना चाहिए, हमारी टीम ने उन्हें अच्छा खासा उन्हें परेशान किया है। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि हम ये मैच जीत जाएंगे, जो साफ तौर पर दिखाता है कि टीम इंडिया अभी पिंक बॉल टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच जरूर जीतने वाली है। टीम इंडिया कितनी भी ताकतवर हो, पिंक बॉल टेस्ट जीतना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सेन वॉटसन ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता, उन्होंने यह प्रैक्टिस मैच जीता, तो हमें अपने घमंड में नहीं आना चाहिए कि हम उन्हें चुटकियों में हरा देंगे। टीम इंडिया हमें कड़ी चुनौती दे सकती है और यदि हम अपना बेस्ट नहीं खेलेंगे तो हम यह दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। रोहित शर्मा, कोहली, बुमराह, यशस्वी, यह सब टॉप क्लास खिलाड़ी हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि सच कहूं तो मैं हैरान हूं, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा प्रदर्शन कर कैसे रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम इतना अच्छा खेलेगी। भारतीय टीम की जो नई अप्रोच है वह उन्हें इस काबिल बना रही है कि वह ऑस्ट्रेलिया में आकर ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं। सच में कमाल है वह। तो दोस्तों, देखा आपने, ये तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया से डरे शहमे नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मुकाबले में हर्षित राणा की रफ्तार के आगे प्राइम मिनिस्टर की प्लेइंग 11 धराशायी हो गई। एक के बाद एक, एक एक ओवर में तीन तीन विकेट निकालकर हर्षित ने 5 विकेट तो लिए ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रिकॉर्ड भी सेट किया। इनफैक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कोई बना ही नहीं पाया आज तक।
हर्षित राणा की गेंदों के सामने कैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहोश हो गई, उनकी पूरी गेंदबाजी और रिकॉर्ड का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इंडियन टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते 5-0 से, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले को जीती भारतीय क्रिकेट टीम का आज प्राइम मिनिस्टर 11 यानी के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की प्लेइंग 11 के साथ एक रोमांचक मुकाबला हो रहा है। बारिश के चलते पहले दिन का खेल कैनबेरा के मैदान में शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन आज जब दूसरे दिन खेल शुरू हुआ तो इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा फुल एक्शन में नजर आए और उनका प्लान ऑफ एक्शन यही था कि वो टॉस जीतेंगे और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेंगे। अब गेंदबाजी में दोस्तों सिराज ने पहली सफलता हमें पारी के 5वें ओवर में दिलाई थी, जब पड़ीकल के हाथों उन्होंने कैच आउट कराया था रेंचो नाम के खिलाड़ी को। लेकिन इसके बाद एक खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया कि पूरे एक ओवर में मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों, ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि हर्षित राणा थे। हर्षित राणा ने आज 2 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को मैदान से बाहर भेज दिया। सिलसिला शुरू हुआ पारी के 23वें ओवर से। जैक क्लेटन कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कोई नहीं जानता था, बिकॉज प्रैक्टिस मैच में वो हर किसी को मौका दे रहे थे। हर्षित राणा इस खिलाड़ी को जो 40 रन बना चुके थे एक ऐसे खतरनाक यॉर्कर डालते हैं कि क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसकी 2 गेंदों के बाद हर्षित राणा ओलिवर डेविस नाम के खिलाड़ी को 0 पर क्लीन बोल्ड करते हैं और जब 25वां ओवर शुरू होता है उस वक्त पर दोस्तों हर्षित राणा अब विकेट लेते हैं खिलाड़ी एडवर्ड्स का। ये जेक एडवर्ड्स नाम के खिलाड़ी 6 गेंदे खेलकर अभी सेट होना चाह ही रहे थे कि हर्षित ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराया और अगली गेंद पर ही सैम हार्पर नाम के बल्लेबाज को भी 0 पर आउट किया। मतलब कि 4-5 गेंदे डाली हर्षित राणा ने कुल 2 ओवर में और इन्हीं गेंदों के अंदर उन्होंने 4 विकेट निकाल डाले। दोस्तों, हर्षित ने 44 रन देकर 4 बड़े विकेट निकाले और 7 का उनका इकोनॉमी था और इसके बाद हर्षित ने वो रिकॉर्ड कायम कर लिया है जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। इसके बाद हर्षित ने एक और विकेट लेकर 5 विकेट का हॉल अपने नाम दर्ज कर लिया और प्राइम मिनिस्टर प्लेइंग 11 के खिलाफ एक ही मैच में 5 विकेट आज तक कोई डेब्यू करने वाला तेज गेंदबाज भारत की तरफ से नहीं ले पाया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन हर्षित राणा ने इस रिकॉर्ड को आखिरकार अपने नाम किया ही है। दोस्तों, हर्षित राणा की गेंदबाजी को देखकर रोहित शर्मा विराट कोहली भी तालियां बजाते नहीं रुके थे। तो आप सभी इनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को 10 में से कितने मार्क्स देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो उनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही सितारों से सजी घमंडी ऑस्ट्रेलिया खेमे को घुटनों पर लाया। बुमराह और सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, इस कांटे के रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 3-0 से क्या हारी, पूरी दुनिया तो हल्के में लेने लगी। ऐसा ही कुछ हाल ऑस्ट्रेलिया का भी था, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराकर इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था भारतीय क्रिकेट टीम कुछ ऐसा तगड़ा पलटवार करेगी। जहां पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया ने 295 रनों से बाजी मारकर इतिहास लिख दिया, तो फिर ऐतिहासिक जब एडिलेड ओवल में दूसरे टेस्ट मैच की बारी आई तब इस पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया की आनबान और शान पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख दिया, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हां दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं, 1, 2 या अधिक से अधिक 3, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को अकेले अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें, एडिलेड का ऐतिहासिक मैदान इस दूसरे टेस्ट का गवाह बनने के लिए तैयार था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले दिन में खेल में विराट कोहली और सरफराज खान के तूफानी शतकों के दम पर टीम इंडिया ने 555 रन ठोक डाले थे, जहां विराट कोहली ने 148 रनों की यादगार पारी खेल डाली। सरफराज खान ने 109 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया तो ऋषभ पंत ने भी 56 गेंदों पर 83 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे दिन सुबह सुबह टीम इंडिया 555 रन पर पहुंच चुकी थी। अब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करते हुए इस लक्ष्य का पीछा कर मैच में जिंदा रहने की बड़ी चुनौती थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी ब्रेक के बाद अपनी टीम को तूफानी